फ्रेंड्स, यदि आप भारत भ्रमण पर निकले हैं और अभी तक पिंक सिटी जयपुर नहीं गए तो यूं समझ लीजिए कि अभी आपकी यात्रा अधूरी है। जी हाँ, राजस्थान के पिंक सिटी जयपुर में जाएं तो इन 7 प्लेसेस में ज़रूर विजिट करें, जिसमें सबसे पहले नंबर पर रखा गया है रंग दे बसंती पॉइंट को। जयपुर के नाहरगढ़ किले में बना ये तालाब फिल्म रंग दे बसंती के बाद सबसे ज़्यादा विजिट करने वाला पॉइंट बन चुका है। नाहरगढ़ का रास्ता बेहद ही खूबसूरत है और यहाँ की पहाड़ियों से जल महल का नज़ारा साफ साफ देखा जा सकता है। रंग दे बसंती फिल्म में कई हिस्से यहीं शूट किए गए हैं और यहाँ पर देश विदेश से लोग इस किले को देखने के लिए आते हैं। वहीं जयपुर में दूसरे नंबर पर रखा गया है पन्ना मीना की बोरी को। जी हाँ, अपनी सैकड़ों सीढ़ियों के कारण बेहद शानदार दिखाई देती है और इस कुंड से आमेर का किला भी साफ साफ देखा जा सकता है, जिसमें बॉलीवुड की एक फिल्म धड़क के कई हिस्सों को यहाँ पर फिल्माया गया है और यह खूबसूरत कुंड अब धड़क पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पिंक सिटी जयपुर में तीसरे नंबर पर रखा गया है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम को। रात के समय रंग बदलता हुआ अल्बर्ट हॉल म्यूजियम राजस्थान के सबसे पुराने म्यूजियम में से एक है। रामनिवास बाग में बना ये म्यूजियम पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वहीं राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर में चौथे नंबर पर रखा गया है मसाला चौक को। मसाला चौक एक ओपन एयर फूड कोर्ट है जहां जयपुर के फेमस फूड की नई पुरानी दुकानों को सजाया गया है। अल्बर्ट हॉल के आसपास मसाला चौक में एक ही छत के नीचे फेमस राजस्थानी खाने का स्वाद भी आप ले सकते हैं। वहीं पिंक सिटी जयपुर में पाँचवें नंबर पर रखा गया है आमेर के किले को। जी हाँ, 16वीं सदी में राजा मानसिंह ने इस शानदार किले का निर्माण करवाया था। तालाब और केसर की क्यारियों से घिरा हुआ यह किला इतना विशाल है कि इसमें घूमने के लिए आपको कम से कम 6 से 7 घंटे तो चाहिए ही होंगे। आमेर के किले के आसपास आपको सड़कों पर हाथी घूमते हुए भी नजर आ जाएंगे और किले तक भी आप हाथी की सवारी का मजा ले सकते हैं। इस खूबसूरत किले को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया है। वहीं राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर में छठे नंबर पर रखा गया है जल महल को। मनसागर झील के बीचों बीच जल महल बनाया गया है। सुबह की सैर और प्री वेडिंग शूट के लिए जल महल को जयपुर का सबसे अच्छा स्थान माना जाता है। नाहरगढ़ से भी यह खूबसूरत महल साफ साफ दिखाई देता है। लोग यहाँ कबूतर को दाना और मछलियों को चारा डालने के लिए आते हैं। झील के आसपास का पूरा इलाका बर्ड सेंचुरी के अंदर आता है। वहीं पिंक सिटी जयपुर में सातवें और आखिरी नंबर पर रखा जाता है पत्रिका गेट को। पूरे जयपुर शहर को वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाया गया है। इसके 7 गेट थे लेकिन बाद में इसके 2 और गेट बना दिए गए। जयपुर का 9वां गेट पत्रिका गेट है, जिसे जवाहर सर्किल भी कहा जाता है। जयपुर गए हैं तो इन 7 प्लेसेस को विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने ये सारे प्लेसेस घूम लिए हैं तो यूँ समझ लीजिएगा कि आप पूरा का पूरा जयपुर घूम चुके हैं। यदि आप इसी तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।